भावक ज्ञान घन व्यासुर रे आगार बसई राम सर चाप धर भगवत कृपा से महानुभाव भक्तवती देवी हो ऐसे लगता पूरणीय भक्त और चरमणि श्री हनुमान जी के चरित्र की चर्चा प्रारंभ की गई। श्री हनुमान जी के लिए हनुमान जी ने कहा था इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको आप संपादित न कर सकें। और वो स्वामी जी ने जब श्री हनुमान जी के गुणों का वर्णन प्रारंभ किया तो अंत में उनको यह लगा यदि मैं कुछ गुणों का स्मरण करूं तो ऐसा लगेगा कि हनुमान जी में इतने गुण, इसलिए वो श्लोक तो आप चंद्रकांड के प्रारंभ में पढ़ते होंगे, उसमें आपको एक वाक्य एक शब्द मिलेगा कि हनुमान जी अद्वित बल के धाम है और स्वर्ण पर्वत के समान उनका शरीर है और दुष्ट बल को जलाने के लिए वे अग्नि के समान है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। पर इतना लिखते लिखते कभी को ऐसा लगता है कि क्या इन शब्दों के द्वारा हनुमान जी के गुण और उनकी महिमा को ठीक ठीक व्यक्त किया जा सकता है। और तो उन्होंने उस श्लोक में एक शब्द जोड़ दिया और वह शब्द है सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के आप निधान हैं। कोई ऐसा गुण आप में नहीं है जो आप में विद्यमान न हो। पूरे श्री हनुमान जी के चरित्र में हम उनकी विलक्षणताओं का दर्शन कर सकते हैं। कल आपके सामने उनके जन्म कर्म की अलौकिकता का वर्णन किया गया और गोस्वामी जी ने वह वर्णन मानस में नहीं किया है, मैंने पत्रिका में उसका संकेत कई पदों में प्राप्त किया है। और उसके बाद मानस में श्री हनुमान जी का प्रथम दर्शन जो पढ़ने वाले पाठ करने वालों के सामने हुआ होता है वह तो क्या बाली के भय से डरे हुए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर वाली को यह शाप मिला हुआ था कि अगर वह इस पर्वत पर प्रविष्ट होगा या आवेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुग्रीव वहां ऐसा मान करके कि बाली यहाँ तक पहुंच नहीं सकता वहां रह रहा और वे जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनमें ही श्री हनुमान जी एक है। एक दिन वह दृश्य सामने आता है, भगवान राम और श्री लक्ष्मण जनक नंदिनी की खोज करते हुए पंपा सर से जब आगे बढ़ते हैं और ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में पहुंच जाते हैं तो सुग्रीव की दृष्टि इन दो दिव्य तेजस्वी राजकुमारों पर पड़ी, आतंकित हो गए, भयभीत हो गए और यह आशंका उनके मन में आ गई कि बाली यहाँ नहीं आ सकता है, यह तो ठीक है पर बाली किसी अन्य को तो मेरे बल के लिए रह सकता है। और उनके मन में यही भय समा गया कि निश्चित रूप से बाली ने ही इन दोनों राजकुमारों को देखा। पर अचानक उनमें एक सद्बुद्धि का उदय हुआ और यही सुग्रीव के चरित्र की अनेक दुर्बलताओं के होते हुए भी एक ऐसी विशेषता है जो सर्वदा उनको सुरक्षित बनाए रखती
और वह लक्षणता यह है कि इसके हनुमान जी का सुग्रीव का हनुमान जी पर प्रगाढ़ विश्वास है। और इस संदर्भ में एक बड़े महत्व की बात है कि हनुमान जी कितने बलवान है, पर यह दृष्टांत तो स्वाभाविक है कि इतने बलवान शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने जब सुग्रीव के को परास्त किया या सुग्रीव का वध करने के लिए बाली ने पीछा किया, तो क्या वो बाली से युद्ध करके सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सकते? निश्चित रूप से वे बाली की अपेक्षा बहुत अधिक बलवान थे। बाली और हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। पर आश्चर्य, हनुमान जी ने बाली को चुनौती नहीं दिया, बाली से युद्ध नहीं किया, बाली को हराने का प्रश्न ही नहीं था। आपके तो अगर सुग्रीव भाग करके विश्वमुख पर्वत पर आए तो श्री हनुमान जी उस पलायन में उनके साथ दिखाई देते और सुग्रीव के साथ में भी उस पर्वत पर निवास करते। क्या तात्पर्य है, क्या रहस्य है? वाल्मीकि रामायण में यह प्रश्न महर्षि अगस्त से भगवान राम ने किया। उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी के समान तो महान बलवान बुद्धिमान गुणवान कोई है ही नहीं, पर उन्होंने वाली से सुग्रीव की रक्षा क्यों नहीं किया, इसमें क्या रहस्य? तो उसमें एक उत्तर तो महर्षि अगस्त ने वह दिया है जो बड़े संकेत की भाषा में। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को अपना बल भूला रखा और इसलिए उनको अपने बल की याद नहीं थी और इसलिए उन्होंने बाली से युद्ध नहीं किया या सुग्रीव की रक्षा नहीं की। पर आप उस पर थोड़ा एक भिन्न दृष्टि से भी विचार कीजिए और ये और जो अंतर बाली में और हनुमान जी में दिखाई देता है, ब्रह्मा ने यह आदेश दिया था देवताओं को कि यदि भगवान मनुष्य के रूप में अवतार ले रहे हैं तो तुम लोगों को भी बालकों के रूप में जन्म लेना चाहिए और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब प्रभु पधारेंगे तो तुम उनके साथ लंका युद्ध में जब लड़ोगे तो तुम्हें विजय प्राप्त होगी, प्रभु को विजय प्राप्त होगी। इस आदेश का पालन करते हुए समस्त देवता अपने अंशों के द्वारा बानरों के रूप में जन्म लेते हैं और उनमें बाली भी है, चेरमन जी भी है, अंगद भी है, जामवान नल भी है। पर बाली और हनुमान जी का सबसे बड़ा अंतर क्या है और वो एक समझने योग्य अंतर है? सबको मानो एक सूत्र है, जब यह आपको पढ़ने को मिलता है कि रावण को बाली ने भगवान के आगमन से पहले ही एक बार हरा दिया, तो इसके पीछे बाली की क्या मनोभावना थी? हनुमान जी रावण को भी हरा सकते हैं, बाली को भी हरा सकते हैं, पर हनुमान जी ने समर्थ होते हुए अपने बल का उपयोग नहीं और बाली ने अपने बल का उपयोग किया और ऐसा भी लगा कि उसने सफलता प्राप्त कर लिया। इसके पीछे क्या भावना है, क्या मनोभाव है? और यही एक अभिमानी व्यक्ति और एक भक्त के हृदय में जो उसकी विनम्रता होती है, उसकी भावना होती है, उसका अंतर जो है दिखाई देता है। व्यक्ति जो है सभी का स्वभाव है कि वो अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए बेचैन रहता है और उसको यह भी अच्छा नहीं लगता कि लोग
उसकी प्रशंसा या उसकी विशेषता के लिए किसी दूसरे को यश दे दे। कहा इनमें विशेषता है, लेकिन विशेषता का कारण तो कोई और है। तो लगने लगता है कि ये तो नहीं। अब अभिमानी व्यक्ति की समस्या यही है। अभिमानी व्यक्ति जिसकी चर्चा शायद उमा शंकर जी उसी संदर्भ में कुछ कर रहे थे, वो मैं तो अंत में ही सुन रहा था। तो वो बालिक की समस्या यही कि उसे यह लगता है यदि श्रीराम का आगमन हुआ और उसके पश्चात रावण पर विजय मिलेगी तो मुख्य श्रेय तो श्रीराम को मिलेगा। यही माना जाएगा कि श्रीराम ने रावण का वध कर दिया, रावण को परास्त कर दिया, पर मेरा महत्व तो, मेरा यश तो उसके द्वारा नहीं बढ़ेगा। मानो एक मनोभाव अनेक व्यक्तियों में दिखाई देता है और ये वाक्य तो अनेक अनेक व्यक्ति कहते हैं कि मैंने जो सफलता प्राप्त कर किए है तो स्वयं मेरी अपनी सफलता है, मैंने अपने जीवन का निर्माण किया है और जो आप मेरे जीवन में सफलता देख रहे हो मेरी। यदि ये बात यदि गहराई से विचार करके सोचे तो नहीं कहेगा तो उसका निर्माण उसने मुझसे कह दिया। जब माता के गर्भ में उसका निर्माण हुआ तो उसमें क्या उसकी भूमिका, बाल्यावस्था में जब वो व्यक्ति रहता है तो उसकी क्या भूमिका है। पर मनुष्य गर्भ में ऐसा अनुभव करने लगता है कि सफलता स्वयं मेरे ही पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ का महत्व कम नहीं, पुरुषार्थ के द्वारा बहुत बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं, पुरुषार्थ की महिमा का प्रतिपादन अन्य पलियों की बात नहीं, श्री लक्ष्मण जी की वाणी में भी आपको मिलेगा। जब समुद्र के किनारे प्रभु ने यह प्रश्न किया कि समुद्र को कैसे पार किया जाए और विभीषण जी जो अभी थोड़े देर पहले ही प्रभु श्री राम भद्र की शरण में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो ये सोचता हूँ कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल ही कहीं उपाय विचार, समुद्र का कुल गुरु है, आप उससे प्रार्थना कीजिए वो उपाय करेगा और सेरा पार हो। उस समय भगवान श्री राम ने जो वाक्य कहा वो वाक्य तो उनके शील के और स्वभाव के गुण के अनुकूल, प्रभु ने यही कहा। उन्होंने कहा मित्र विभीषण, मैंने यह सुना था कि तुम लंका में नीति विभूषण के रूप में रहने रहते हैं, सुनम्र धर्म जो कहे विभूषण विभीषण रावण से बाल्यवान ने कहा नाथ अनुज तो जो है नीति विभूषण, आज तो मुझे प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त हो गया कि तुम कितने नीति चाहिए। और तुमने जब ये मुझसे कहा कि मैं समुद्र से प्रार्थना करूं तो मुझे तुम्हारा बहुत बताया हुआ उपाय श्रेष्ठ है। पर उसके साथ साथ भगवान ने एक वाक्य जोड़ दिया और प्रभु ने कहा कि यह उपाय तो अच्छा है, अगर दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी। भगवान श्री राम स्वयं साक्षात ईश्वर, लेकिन वे कहते ही हैं कि उपाय तो तुम जो बता रहे हो मैं करूंगा, पर सफलता के लिए तो दैव की कृपा दैव की सहायता आवश्यक है। श्री लक्ष्मण जी बड़े तेजस्वी है, पुरुषार्थ के पुण्य है और भगवान स्वयं अपने मुख से यह शब्द कह दे कि देव अगर सहायक होगा तो नहीं रोक पाएंगे। और उन्होंने कहा प्रभु ये दैव शब्द संसार में बहुत प्रसिद्ध है पर आपके मुंह से तो शोभा नहीं है, क्यों तो काजल मन कर एक आधारा दैव देव आलसी कुमार, या आलसी और पुरुषार्थी व्यक्ति दैव दैव चिल्लाया करते हैं तो उनके मुंह से तो एक बात निकलती है निकलना स्वाभाविक, लेकिन क्या आपको जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि आप समुद्र को क्षणभर में सुखा सकते हैं आप क्या आलसियों की भाषा का प्रयोग करें। तो उसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी भी पुरुषार्थ की महिमा का ही प्रतिपादन करते हैं।
तो ऐसी स्थिति में पुरुषार्थ की महिमा कोई नकार नहीं सकता और नकारना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या पुरुषार्थ ही सब कुछ है क्या? जब इस प्रश्न पर गहराई से व्यक्ति दृष्टि डालता है तो उसको स्पष्ट समझ में आता है कि पुरुषार्थ का जितना भी महत्व क्यों न हो तो उसके साथ साथ ये जो देखो ये जो दैव या ईश्वर की बात कही गई वो उसमें निश्चित रूप से उसे नकारना एक मिथ्या अभिमान मात्र है, वो वास्तविकता से भागना है। और इसका अभिप्राय ये है कि एक और व्यक्ति और उसके मन में, उसके बुद्धि में, उसके शरीर में जो क्षमताएं हैं वो हैं, और उसके साथ साथ उन सबका केंद्र कौन है? अब यहाँ पर इतना प्रकाश हो रहा है और प्रकाश जो है वो जिन माध्यमों से प्रकट हो रहा है उनमें क्षमता का अंतर है। किसी राज्य में प्रकाश हो रहा है कम प्रकाश देने की शक्ति है और ये तो लगे हुए है हाइड्रोजन के रूप में उससे बहुत प्रकाश हो रहा है, तो प्रकाश का अंतर दिखाई दे रहा है। प्रकाश शून्य हो रहा है पर क्या प्रकाश का केंद्र कहीं अन्यत्र नहीं है? क्या ये प्रकाश का जो कुंज है वो कहां है? या तो आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा, पर आपको यह ज्ञात है कि नहीं नहीं यह सारा प्रकाश या विद्युत की शक्ति जो है विद्युत केंद्र से पावर हाउस से जुड़ी, वहां से जब तक जुड़ी हुई है तब तक के प्रकाश आपके सामने है। पर अगर उसका संबंध पावर हाउस से भी विच्छिन्न हो जाए तो आप बल हो करते आप अधेरे में हो जाते। तो मानो संसार में जो व्यक्ति में भी प्रकाश दिखाई दे रहा है, विशेषता दिखाई दे रही है, उसकी भले ही प्रतीति हो रही है पर सत्य तो नहीं है। तो उस शक्ति का मूल प्रेरक केंद्र कौन सा, कहां से वो शक्ति आ रही? और जब इस पर गहराई से व्यक्ति दृष्टि डालता है तो स्पष्ट दिखाई देता है कि सबके मूल में ईश्वर ही है और ईश्वर की शक्ति को ही जो जितना ग्रहण कर पा रहा किसी में कम और किसी अधिक में वही दृष्टांत है। यहां भी जिनमें प्रकाश के जो केंद्र है सब में समान प्रकाश हूं, तो उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति तो उस प्रकाश को केंद्र से पाता है और उसमें जितनी क्षमता है वो उतना उसको ग्रहण कर पाता है। इस सत्य को जो व्यक्ति जान लेता है उसके जीवन में अभिमान नहीं रहता, उसको ये ज्ञात हो जाता है कि अंतुल तत्वा सबके मूल में तो परम प्रकाश ईश्वर है, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक से एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। लेकिन हमें आपको क्या लगता है जो कुछ हमें दिखाई देता है आंख से, आंख में देखने की शक्ति है लेकिन जब आप यह अनुभव करते हैं कि आंख में नहीं दिखाई दे रहा है तब इसका अगर अंधेरा हो जाए तो देखने की शक्ति जिस आंख में थी वह शक्ति व्यर्थ हो गई। और उसका अभिप्राय यह है कि दिखाई देने में आंख का महत्व तो है पर आंख के साथ प्रकाश का महत्व उससे अधिक, और तब उसके बाद एक दूसरा दृश्य सामने आता है, एक शव पड़ा हुआ है, एक मुर्दा पड़ा हुआ है, आकाश में सूर्य चमक रहा है और उस मुर्दे की आंखें खुली हुई, पर इतना होते हुए सूर्य भी है आप भी है और वो व्यक्ति दिखाई भी दे रहा है पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब कहते चाहे कह दीजिए तेरे प्राणांत हो गया, प्राण नहीं रह गया, या आत्मा का वहां से ये मान करके भाषा बोलते हैं कि भाई आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, तो गोस्वामी की चौपाई में यही कहते हैं कि भाई ये सब प्रकाश का केंद्र है, नेत्र का महत्व है, सूर्य का महत्व है,
पर इन सबकी अपेक्षा भी एक परम प्रकाशक है। और इस वंदना में जो भी श्रोताइयां आपके सामने पड़ी गई है उसमें यही वाक्य कहा गया कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक से एक सचेता सबकर परम प्रकाशक दोई राम अनादि अवध पति सोई। इस सत्य को जान लेना ही अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान जो है पदार्थ में छिपी हुई शक्ति की खोज कर रहा और उस शक्ति का चमत्कार आज हमारे आपके सामने। तो पदार्थ में शक्ति है पर शक्ति में जो शक्तिमान है शक्ति के पीछे कौन है, शक्ति में ये शक्ति कहां से आई आपको पढ़ने को मिले कि भगवान कहते हैं कि वस्तुतः इस संसार का निर्माण माया करती है पर वो माया ही जो निर्माण करती है वो प्रभु प्रेरित नहीं निर्बल करती, उस माया शक्ति में स्वयं सामर्थ्य नहीं है उसके पीछे भी परम प्रकाशक प्रभु। तो प्रकाश की खोज करना ये भौतिक विज्ञान का विषय है और परम प्रकाशक की खोज करना ये अध्यात्म ज्ञान का उद्देश्य है। तो परम प्रकाशक को ईश्वर कह दीजिए देव कह दीजिए वो एक हमारे विश्वास और श्रद्धा का विषय है। तो मानव संकेत ये है मानव बालक के जीवन में जो उसका अभिमान है वह इस बात सिद्ध करने के लिए विजयन है ईश्वर की क्या सहायता के बिना रावण को नहीं हरा जा सकता, क्या हम अपने पुरुषार्थ से रावण को नहीं हरा सकते। और जैसा आप पढ़ते हैं हराने में उसको देर नहीं लगी और जाने कितने 6 महीने तक वो बगल में रावण को दबाए रहा उसका गर्व बढ़ता गया अभिमान बढ़ता गया। इधर श्री हनुमान जी में सामर्थ है पर श्री हनुमान जी वही जो संत और भक्त चाहते हैं व्यक्ति अपनी पूजा कराना चाहता है अपने को महत्व लेना चाहता है और भक्त का उद्देश्य है कि जीव के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न हो भगवान की शक्ति पर विश्वास उत्पन्न हो। और तब हनुमान जी सामर्थ होते हुए भी मानो यह मान के चलते हैं ना जब स्वयं प्रकाशक परम प्रभु होंगे तो उन्हीं के नेतृत्व में ही यह सफलता प्राप्त होगी। तो सफलता प्राप्त होने में कठिनाई है पर पुरुषार्थी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है लेकिन क्या पुरुषार्थ करने वाला कभी विफल नहीं होता, क्या पराजित नहीं होता, तब क्या करेगा। अगर इतना सामर्थ्यशील है तो हर प्रकार विजयी क्यों नहीं हो, सदा सफल क्यों नहीं हो। और तब इसका तात्पर्य है और यही संकेत आपको एक और प्रसंग में रामायण में मिले जब जयंत ने जनक नंदिनी सीता के चरण में प्रहार कर दिया तो उससे रक्त निकला और प्रभु ने सीत का धनुष और सीत का बाण ये प्रभु का एक संकेत कि राम भद्र के हाथ से धनुष और बाण आप देखते हैं लेकिन जब इस समय इंद्र के पुत्र जयंत ने प्रहार किया तो प्रभु ने अपने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया। संकेत महत्व का सीख जाप सहायक संतान भगवान राम ने एक सीख का ही धनुष बना लिया और एक सीख को ही बाण के रूप में बना करके उन्होंने जयंत के पीछे लगा दिया। क्या उद्देश्य, क्या तात्पर्य, मानो परम प्रकाशक ईश्वर जो है वह एक इंद्र को भी इतनी शक्ति और क्षमता दे सकता है जिसके विषय में रामायण में ईश्वर की परिभाषा क्या है, वो तिरते पुलिस पुलिस तृण करे, वो तिरके को वज्र बना सकता है और वज्र को तिरका बना सकता है। तो जयंत कौन है, इंद्र का बेटा और वो उसको पता है कि हमारे पिता के वज्र में कितनी शक्ति है, प्रभु ने दिखा दिया एक तिरका भी तुम्हारे पिता के वज्र की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि ईश्वर ने उसको अपनी शक्ति दे दी। अब वो जब
वह ईट का जो धन बाण था पीछे दौड़ता है तो सबसे पहले कहा गया जरूरी को गए होते तो भाई अपना कौवे का रूप छोड़ दिया, जहां छोड़ना चाहिए था वही छोड़ा नहीं, और जहां बिना छोड़े भी काम चलता है वहां छोड़ दिया। संसार के द्वार में जाने कितने नकली वेश हम बनाते हैं और उसके द्वारा महत्व प्राप्त करते हैं, पर भगवान राम के पास तो व्यक्ति अपने भग में जाए कोई उदय होता है। भगवान के सामने आया तो कौवा बन गया और पिता के सामने गया तो निजरूप, लेकिन राष्ट्रीय पिता ने इतने जितना भी विलंब सहे नहीं हुआ कि वे जैन से पूछे कि क्या हुआ, उनका तुम तुरंत निकल जाओ और आज्ञा दे दिया कि भीतर घर में जाने का, क्योंकि इंद्र को तो डर लगा लेकिन इसको बचाने के हमारा स्वर्ग ही नष्ट हो जाए, और तब वो भागा ब्रह्मा के नाम में, उन्होंने भी क्षण में नहीं किया। शंकर जी के पास कैलाश में गया, उन्होंने भी क्षण नहीं किया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका तेरा भ्रमित महेश व्याकुल शोका काबू बैठने कहा लोनी सगई को राके प्रणाम कर दो। अब एक बड़ा महत्व का मेरे महत्व का प्रश्न है, रामायण में एक वाक्य आया हुआ है कि शरणागत का जो परित्याग करता है वो महान पापी है, और उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तब ब्रह्मा ने भी शरणागत का परित्याग कर दिया, शंकर जी ने भी जयंत शरण में आया तो परित्याग कर दिया, तो उस दोहे का सिद्धांत उन पर लागू होगा कि नहीं? तो मानो उसी दोहे में एक शब्द के द्वारा उत्तर दिया गया है, हृदय जो सो रहे हो जल जाए तो कोई बहुत गंभीर अभी रहस्य एक समस्या नहीं है। उसका मूल तात्पर्य यही है, उसका मूल अभिप्राय यही है कि वस्तुतः यह सब दोहा उसमें बात है कि शरणागत पर जे सजन निज अनहित अनुमान मेरी हानि हो जाएगी, इस डर के बारे जो परित्याग करता है। सूत्र क्या कि ब्रह्मा और शिव ने अगर उसको शरण में नहीं लिया तो उसके हित के लिए बोले, अगर इसे हम शरण में ले लेंगे तो इसको भ्रम हो जाएगा कि ब्रह्मा और शंकर महान, और इसके मन में ईश्वर की महिमा और शरणागति का बोध नहीं होगा, इसलिए इसको भगाओ। तो भगाने का उद्देश्य भगाना नहीं, भगाने का उद्देश्य भी यही था कि अंत में जब कहीं स्थान नहीं मिलेगा तो ब्रह्म के शरण में जाएगा। तो मानो जब ब्रह्म को की शरण में भेजने के लिए यही ब्रह्मा और शंकर का उद्देश्य है। व्यक्ति के हृदय में जो व्यक्ति अपने प्रति आस्था उत्पन्न कर ले, अपनी महिमा को प्रकट करने का प्रयास करे, वह तो अभिमान से ही करता है। पर जो व्यक्ति यह अनुभव करा दे कि नहीं सामर्थ्य तो एकमात्र ईश्वर में ही है और ईश्वर ही हमारे हमारे लिए शरणागत के योग्य है, और गुरु की महिमा भी है कि गुरु ईश्वर से अपने को बड़ा बता दे, ग्रंथों में गुरु को ईश्वर से बड़ा बता दिया गया, पर अगर गुरु लोग ही कहने लगे कि तो लिखा हुआ है कि गुरु ईश्वर से बड़ा है, हम ईश्वर से बड़े हैं बनाओ, तो इससे बढ़ करके गुरु पद की कोई विडंबना नहीं। उसका अभिप्राय यह है कि साधक गुरु को महत्व इसीलिए देता है कि गुरु भगवान से मिलाता है, गुरु भगवान की प्राप्ति कराता है, न कि इसलिए कि गुरु वस्तुतः भगवान से बड़ा, भगवान ही सबसे बड़े, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, न गुरु है न पतिव्रता है, भगवान उनकी महिमा को प्रकट करे यह भगवान की महिमा है। इसलिए श्री हनुमान जी का उद्देश्य क्या है, बाली ने अपने अभिमान को प्रदर्शित किया और हनुमान जी ने अब महानतम सामर्थ्य होते हुए भी सुग्रीव को यह बताया कि रक्षा करने वाले हम का पर होते हैं, मैं कैसे रक्षा करूंगा, रक्षा करने वाले तो एकमात्र प्रभु है, यही एक महानतम अंतर है जो भक्त में और अभिमानी व्यक्ति में दिखाई देता है। और इसीलिए बाली के ऊपर भगवान राम के बाण का प्रहार, और जब बाले ने प्रश्न किया कि
कारण क्यों लेना समझे आपने मुझे तो बताया तो वाली तो इंद्र के अंश से उत्पन्न हुआ था, वाली इंद्र के अंश से और इंद्र देवताओं के राजा है, और सबसे बड़ा जो पुण्यात्मा होता है उसे इंद्र पद प्राप्त होता है। तो उसका पुत्र स्वाभाविक था कि आपको पाप को मारने आए थे कि पुत्र को मारने आए, आप निशाचरों को मारने आए थे कि उस तरह अपने बड़े का प्रार किया, आप पढ़ते होंगे भगवान ने उत्तर दिया क्या मूल कोई अच्छे अभिमान ये तेरू प्रहार जो है तेरे अभिमान के कारण है। और मम भुज बल आश्रित कही जानी मारा जासी अधम अभिमानी तो महान अभिमानी है, क्योंकि यह जानते हुए भी कि सुग्रीव मेरी शरण में है और तो वो यह भी जानता था कि मैं ईश्वर पर इतना होते हुए अगर तू सुग्रीव के ऊपर प्रहार कर रहा तो क्या इससे दंड होता है कि तुम्हें मान के चल रहा था कि ईश्वर भी सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सकता और एक बार सुग्रीव तुम्हारे मुक्ति से प्रहार और का प्रहार होने पर भागा तब भी तुम लौट के नहीं गए उसके पीछे तुम्हारा अनुभव क्या था। अगर बाली पर तो तुमने देखा कि सुग्रीव डर के मारे पीट करके चला गया तो तुम लौट सकते लेकिन तुम खड़े क्यों हो गए क्योंकि जब तुमने देखा कि बाली को मैंने तो अभी अभी सुग्रीव को परास्त कर दिया और श्री राम की सहायता तो इसके लिए कोई उपयोगी सिद्ध नहीं हुई तो तुम्हारे हृदय में एक चुनौती की भावना और इसलिए मम भुज बल आश्रित जानी तुम कहते हो कि मैंने छिप मारा सत्य तो यह है कि मैंने छिप करके नहीं मारा तुमने मुझे देखना ही नहीं था। अब अगर कोई व्यक्ति यह निर्णय कर ले कि हमें तो देखना नहीं तो न देखने का निर्णय करने के बाद तो फिर कोई बहुत सूर्य का प्रकाश या बहुत प्रकाश कर दे तो वो तो मानो अपने छोटे से नेत्र के द्वारा ही जब हम अपने को प्रकाश से वंचित कर लेते हैं यह मानो संकेत की भगवान जी के चरित्र की सबसे महानतम विशेषता यही है कि सकल गुण निधान होते हुए भी उनका अभिमान उनके चरित्र में रंज मात्र दिखाई दे जब उनके गुणों पर दृष्टि डाले हनुमान जी के प्रथम गुण की ही आप देखे मैं सुग्रीव के जीवन में जैसा मैंने कहा सुग्रीव कहे है बाल के समान बलवान है लेकिन ये हनुमान जी पर उनका बड़ा विश्वास और ये वो मानते हैं कि हनुमान जी से बढ़ करके कोई विवेकी और ज्ञानवान नहीं। अगर की विशेषता कि हृदय में आया तो कि बाली को भेजे हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं लेकिन सही पता तो चल गया और तब उनका ध्यान किसकी हो गया हनुमान जी की और हनुमान जी से उन्होंने कहा ब्राह्मण का वेश बनाए करके ये यही से हनुमान जी की विशेषताओं का श्री गणेश समझ आया है। हनुमान जी चाहे जिस प्रकार का वेश बना सके चाहे जैसा रूप बना सकते ये चमत्कार हनुमान जी में ही नहीं है ये चमत्कार रावण में भी है ये ध्यान रखिएगा। चमत्कारों से आकृष्ट होने वाले व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं जो चमत्कार हनुमान जी में है वही चमत्कार रावण में। अगर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना सकते हैं तो रावण साधु का वेश बना सकता है। लंका के युद्ध में हनुमान जी का रूप प्रकट कर देता है श्री राम का रूप प्रकट कर देता है। चमत्कार तो एक शक्ति है क्षमता है तब परीक्षा क्या है कि उसका उपयोग क्या हो रहा है और यही रावण और हनुमान जी का अंतर है। रावण साधु का देश बना करके सीता जी का हरण करता है और हनुमान जी साधु वेश बनाकर ब्राह्मण वेश तो साधु का उन्होंने बनाए नहीं क्यों कहे साधु सदमानु और वह हनुमान जी का कार्य क्या है हनुमान जी की भूमिका क्या है बस यही आप देखेंगे। जो कार्य सुग्रीव ने सौंपा कि ब्राह्मण का वेश बना करके जाइए और जा करके पता लगाइए कि है कौन हनुमान जी को सबसे पहले भेदिए का काम जासूस का काम सौंपा गया क्योंकि सुग्रीव को डर है कि कोई मारने आ रहे
और हनुमान जी पर विश्वास है कि हनुमान जी जो है वो बड़ी पैनी दृष्टि वाले, ये तो पता लगा लेंगे। ये हनुमान जी का ऐसा अनोखा कार्य है, संसार में रहस्य का पता लगाना ये भी बड़ी विशेषता है, पर ईश्वर के रहस्य का पता लगाना यह तो इतना असंभव है कि गोस्वामी जी की वो पंक्ति आप पढ़ते ही है कि जब देखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु न चावनि मारे देव न जाने मर्म तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी ईश्वर के समर्थ और पूर्ण महात्म को नहीं जानते। आज हनुमान जी को काम सौंप दिया गया और श्री हनुमान जी ने कैसे वे कुशल है और कुशल हनुमान जी ने कैसे ईश्वर को पहचान लिया, ईश्वर की महिमा को ईश्वर के रहस्य को कैसे जान लिया, यह हनुमान जी के चरित्र का पहला दृश्य। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में जाते हैं। अब एक बात बड़े महत्व की, हनुमान जी समस्त भाषाओं में निष्णात है। हनुमान जी समस्त जितने प्रकार की भाषाएं होती है हनुमान जी सारी भाषा में पंडित थे। ऐसा मुझे जना ऐसे रामायण में सर्व भाषा विशारद जैसे हनुमान जी है तो वैसा कोई नहीं। अब आप क्या ये सोचते हैं कि उत्तर में जो भाषा बोली जाती थी दक्षिण में भी बोली जाती थी क्या? और यहाँ भी आप देखते हैं कि थोड़े थोड़े दूर पर लोगों की भाषाएं बदली हुई है, तो हनुमान जी जहां जाते हैं जिससे बात करते हैं वो उसकी भाषा में करते हैं और ऐसी भाषा में करते हैं कि वाल्मीकि रामायण में तो लिखा लक्ष्मण से प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण आज तक वार्तालाप करने वाले अनेक मिले, बड़े महापुरुष मिले, पर वो व्याकरण शास्त्र में आठ प्रकार के व्याकरण का नाम दिया गया। तो उन्होंने कहा कि आठों प्रकार के व्याकरण से जिसका एक भी वाक्य अशुद्ध बने और जो वाक्य बोल रहा है वो इतना सारगर्भित है कि ऐसा बोलने में कुशल मैंने नहीं है। अब आप ध्यान देंगे हनुमान जी भाषा का जो उपयोग करते हैं, गोस्वामी जी ने संकेत लिखा है, गोस्वामी जी ने इतना स्पष्ट नहीं, गोस्वामी जी तो कहते हैं महत्व तो भाषा का बहुत बड़ा है, महत्व तो भाषा का आप पढ़ते ही हैं कि जब गरुड़ जी को शंकर जी ने कथा नहीं सुनाई और न सुनाने के बाद पार्वती जी ने कहा महाराज आपको तो कथा सुनाना अत्यंत प्रिय है और गरुड़ आए थे भगवान के मर्म और रहस्य और उनकी महिमा को जानने के लिए, तो आपने उन्हें कथा क्यों नहीं सुना दिया? तो उन्होंने तीन उत्तर बताए। तो उन्होंने गरुड़ से तो ये कहा कि मिले गरुड़ मार्ग महमोनी, अब तुम मार्ग में मिल गए तो ये उत्तर है क्या हनुमान जी के शंकर जी के मुंह से सही है क्या? क्या उनको कहीं जाना आवश्यक है क्या कि वो कथा छोड़ करके इतना आवश्यक कार्य करने जा रहे हैं? वो पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें तुम मार्ग में मिल गए, हम तुम्हें कैसे समझावे, और उसके बाद दूसरी बात कह दिया कि तुम्हें इतना बड़ा मोह हो गया है, तुम्हें मोह नहीं महामोह हो जाओगे, तुम्हें तो महामोह उत्पन्न हो गया है और इस रोग को नष्ट करने के लिए समय बहुत चाहिए। जब बहुकाल करी सत्संगा, जब तुम बहुत समय तक सत्संग करोगे तो मोह नष्ट होगा। तो क्या शंकर जी इतने व्यस्त है कि उनको कथा सुनाने का समय नहीं है क्या? तो कहते हैं कि बहुत काल तक बहुत काल सुनना चाहते तो बहुत काल शंकर जी सुना सकते, इसलिए लगा पार्वती जी को भगवान शिव ने तो टाला है कि ये वस्तुता वास्तविकता नहीं। तो उन्होंने पूछा महाराज आपने गरुड़ को क्यों नहीं सुनाया? उन्होंने कहा दो कारण, एक कारण तो पार्वती है कि होई कीन कबो अभिमाना सोई खोई चाह कृपा निभा, निश्चित रूप से गरुड़ ने कभी अभिमान किया होगा और भगवान चाहते थे कि गरुड़ का अभिमान नष्ट हो, तो जानबूझ करके अगर मैं सुनाता तो उनका शायद गर्व बढ़ जाता,
कि मुझे तो शंकर जी ने कथा सुनाई। कई लोग इसी बात पर एक गर्व पाल लेते हैं। इसलिए गर्व नष्ट करने का एक ही उपाय है कि अगर सुनने की सच्ची इच्छा है तो कौवे से जाकर के सुने, मानो इसलिए मैंने नहीं सुना। और व्यवहारिकता है तो बहुत बढ़िया बात है। समझे खग खगही कर भाखा ताते उमा को पकड़ रहा। व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है और वह भाषा एक पक्षी ही पक्षी की भाषा को ठीक ठीक समझ पाता है, इसलिए मैंने ये सुना। उसके मूल में तात्पर्य यही है कि आप जब किसी भाषा के माध्यम से कोई बात सुनते और उस भाषा का आपको ठीक ठीक ज्ञान हो तो आप उसमें अधिक आनंद ले सकते, और भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप नहीं कहीं न कहीं उसका जो रस है उसका आनंद है वो पूरी तरह नहीं पा सकते। मुझे स्मरण आता है दिल्ली में भी एक बड़े आस्तिक परिवार ने मुझे आमंत्रित किया था लेने के लिए। वो पुत्र वधु उनकी आई हुई थी, मैं आगे बैठा हुआ था, वो उनके पुत्र वधु और दीदी मंदाकिनी पीछे बैठी हुई थी। और वो रास्ता लंबा था और पूरे देर तक वो सारा वार्तालाप अंग्रेजी में होता रहा, ठीक है। पर आश्चर्य तब हुआ कि जब वधु ने ये कहा तो मैं आदित्य हृदय का पाठ करना चाहती हूँ अंग्रेजी में, वो लोग सुलभ है कि नहीं। उसका कोई दोष नहीं था, उसने शिक्षा प्राप्त किया का ऐसे माध्यम में जो अंग्रेजी का माध्यम, तो उसका अभिप्राय यह है कि उसको लगता है कि परिवार में कहते हैं कि आदित्य हृदय का पाठ करो तो मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं पूरा उसका लाभ नहीं ले पाती हूँ। तो जब मैंने कल्पना किया कि आदित्य हृदय को भी वो उसकी बाध्यता है कि वो अंग्रेजी के माध्यम से समझ सकती, उसका अभिप्राय यह है कि जिस भाषा में अभ्यस्तता, आनंद के कुछ व्यक्ति और महिलाएं आई वो कोई तुलसीदास पर फिल्म बना रहे, किसी ने मेरा नाम ले लिया तो मेरे पास आए और जो वार्तालाप हो रहा था और उसमें माध्यम जो थे वो तो दुभाषिया थे, मैं हिंदी में बोलने में सक्षम नहीं था और वो जो थे उनके सीधे हिंदी की भाषा समझ में नहीं आती थी। अब उन्होंने जब प्रश्न किया तो प्रश्न सुन के थोड़ी हंसी भी आई, प्रश्न लगा कि नहीं प्रश्न को हम इसको लगा तो भी सकते। उनका प्रश्न था कि उन्होंने कहा श्री राम के चरित्र में मुझे बहुत सी बातें अच्छी लगती है पर एक बात सबसे बुरी लगती है, क्या? कि सूरपणखा ने विवाह का प्रस्ताव किया और राम ने न केवल अस्वीकार कर दिया न कान काट दिया, ये तो उनके बहुत ही अनुचित अन्यायपूर्ण कार्य है। तो मुझे लगा तुम उनका कोई दोष नहीं, वो उनको ये लगा कि भाई विवाह का प्रस्ताव करना तो कोई ये बुरी बात नहीं है, सारे पुराने देशों में यूरोप आदि अमेरिका में यहाँ भी ऐसी परंपरा है, तो अगर सूरपणखा ने विवाह की बात कही तो उसका क्या बुरी बुरी बात थी। अब मैं जो बात समझा रहा था वो दुभाषिया महोदय जितना समझ रहे थे उतना बता रहे थे, पर पूरी तरह से उधर मैंने यही कहा, मैं समझ गया इस बात को समझाने के लिए तो मेरा जो चिंतन है मैं जिस ढंग से उसकी व्याख्या करता हूँ। मैंने कहा कि भाई तुम मंदाकिनी जी से बैठ के बातचीत की तो दो घंटे तक उन लोगों को एक जो वार्तालाप हुआ तो उनको समाधान मिल गया कि ठीक है इसमें ये दृष्टि है ये हमें ज्ञात नहीं। तो ये लगता है कि सचमुच भाषा का जो प्रभाव है वो तो व्यक्ति के जीवन में जिस भाषा में हम ग्रहण करते हैं, हनुमान जी से बढ़ करके भाषा में कोई नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण में बात आती है, रामायण में तो आया कि हनुमान जी ने प्रभु की कथा सुनाई और आदि तो सब कथा सुनाई पर किस भाषा में कथा सुनाई। तो हाँ वाल्मीकि रामायण में आता है कि हनुमान जी ने सोचा कि संस्कृत भाषा में मैं कथा सुना सकता हूँ, बड़ी दिव्य देव भाषा है, लेकिन मैं संस्कृत में सीता जी को कथा नहीं सुनाऊंगा। क्यों? तो उन्होंने यही सोचा क्या
वाल्मीकि रामायण में आता है, यदि भाषा प्रदस्यामी प्रजाति रो संस्कृता, अगर मैं ब्राह्मणों की देव भाषा में सुनाने लगूंगा तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। क्या मैं रावणम मन्य माना माम सीता गीता भविष्यति, सीता जी को यह संदेह हो जाएगा कि रावण ही तो ये नकली वेश बना के आ गया। रावण पहले साधु को वेश लाया और उसने कर लिया, अब कहीं ये अगर को संदेह हो गया कि रावण ही इस वेश में आ गया है और वो सुना रहा है, तब तो और डर जाएंगे कि पहली बार सुना करके हरण किया, अब दूसरी बार कथा सुनाने का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, मैं सीता जी को संस्कृत में कथा नहीं सुनाऊंगा, प्राकृत भाषा में सुनाऊंगा। तो श्री हनुमान जी की यह समयोचित जो धारणा है, कहां किससे कैसे बोलना चाहिए, यह अद्भुत है। और इसीलिए पूरे रामचरित मानस में हनुमान जी से बढ़कर के ऐसी वचन रचना और उस कितने रहस्यमय और कितनी तात्विक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पहला दृश्य देख लीजिए, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं, उनके पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद हनुमान जी सीधे प्रभु से पूछते हैं, वो तुम कौन है आप। और अगला वाक्य बड़ा विचित्र था, श्यामल गौर शरीरा, बड़ा विचित्र लगता है, ये क्या कहने की आवश्यकता है, दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हो तो क्या आप उनका रंग बता देंगे क्या, ये सामने को आप भोरे तो हो। लेकिन हनुमान जी ने भी कहा कि आपका रंग श्याम है, दूसरे का रंग गौर है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि क्षत्रिय रूप हो, फिरऊ बन गया, आप क्षत्रिय का वेश बना करके वन में घूम रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, भगवान तो क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ, पर वे नहीं कहते कि आप क्षत्रिय, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन गया। इसलिए आगे चल करके भगवान से हनुमान जी से बड़ा मीठा विनोद हुआ। प्रभु का तात्पर्य यह था कि हनुमान तुम ब्राह्मण के वेश में आए और तुमने प्रणाम किया, तभी मैं समझ गया कि तुम असली ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण को प्रणाम कराना अपने के लिए, प्रणाम कराने को व्यक्ति रहते हैं, प्रणाम तो जल्दी करते नहीं, और तुम आए तो तुमने आते प्रणाम किया। तो हनुमान जी ने भी कहा कि प्रभु अगर मैं वास्तविक ब्राह्मण नहीं हूं तो मैं ये भी समझ गया कि आप भी वास्तविक क्षत्रिय नहीं, दोनों लकीर पे बनाए हुए। इससे शब्द हनुमान जी का क्षत्रिय रूप फिरो, आप क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय रूप धारण किए हुए और वन में आप चारों ओर भटक रहे। और कितनी पहली दृष्टि है, एक एक प्रश्न में अनोखा प्रश्न है, क्या वो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा। अगला वाक्य क्या, कठिन भूमि, वन की भूमि बड़ी कठिन है, ये तो कोई भी देख सकता है। पर हनुमान जी एक वाक्य जोड़ देते, बड़ी समस्या है क्या, बोले कठिन भूमि कोमल पदगामी, आपके चरण को देखना हो तो अत्यंत कोमल, पृथ्वी बड़ी कठोर, समझ में नहीं आता कि अगर कठोर भूमि पर कोई चलेगा तो उसका चरण कोमल नहीं रह जाएगा, और चरण कोमल वाला कठोर भूमि पर चलना भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये भी मैं देख रहा हूं, पहले कहा कि एक श्याम और एक गौ, फिर ये कहा हनुमान जी ने कि भूमि कठिन है और चरण कोमल है, और फिर ये कहा कि आप इतने सुकोमल है और फिरत विपिन किम आतप, आप नाना प्रकार के वन के कष्टों को सह करके घूम रहे हैं क्यों। और हनुमान जी की विलक्षणता क्या, प्रभु के उत्तर देने से पहले उत्तर भी देंगे। ऐसा अनोखा व्यक्ति जो पहले तो परिचय पूछे और परिचय पूछने के बाद स्वयं परिचय भी देने लगे। प्रभु तो हनुमान जी की भाषा सुन के समझ गए, आज तो कोई अद्भुत ही दिव्य गुण संबंध हनुमान जी को तो जानते ही हैं। प्रभु ने सुना कि देखे क्या आगे चल करके ये प्रश्न कहते हैं, और फिर हनुमान जी फिर दौड़ देते हैं कि तुम तीन देव में कोई, आप ब्रह्मा विष्णु शंकर में से दो तो नहीं है। फिर भी प्रभु नर नारायण क्रूर की तुम दो ही,
आप नर और नारायण तो नहीं। तो तीसरा अंतिम वाक्य कह दिया, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मण जाओगा। क्या आप संसार के कारण, क्या पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही साक्षात प्रभु ही ब्रह्मणी को अवतरित नहीं हुआ? मानो श्री हनुमान जी ने जिस प्रकार से प्रश्न किया और समाधान दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ऐसे विद्वान से बातचीत करा और भी इनकी गहरी परीक्षा मैं भी तो ले लू, ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं, मैं भी इनकी लूंगा। तो प्रभु ने अपना परिचय जो दिया उसमें उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं नरनारायण हूँ कि ब्रह्मा विष्णु शिव हूँ, कि न तो ये कहा कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। आप कहने लगे ब्राह्मण देवता, तो मेरा परिचय तो बड़ा सीधा सा है, कोश लेस दशरथ के जाए, अज्ञान के राजा दशरथ के, दशरथ का मैं पुत्र हूँ। और तुमने पूछा बन ले, तो बन ले तो भाई हम अपनी तो वचन माने बनाए, पिताजी की आज्ञा मान के मैं बन में चला रहा हूँ। और तुमने पूछा कि ये तेरे सामने और गोरी कौन है, तो ये तो हम दोनों भाई हैं। और मैं नाम भी बता दूं, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और मेरे साथ मेरी प्रिया भी जो थी वो जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है, सारे राक्षस के द्वारा हरण कर लिया गया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरी निश्चर वैदी, यहाँ राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया, ब्राह्मण देवता में मैं उन्हीं की खोज कर रहा हूं। कितनी कठिन परीक्षा हो गई। हनुमान पूछते हैं कि साक्षात ब्रह्म है, और प्रभु कहते हैं मैं तो दशरथ का बेटा। मानो संकेत यह है कि ईश्वर सबका परम पिता है, वो किसका बेटा? पर वे कहते नहीं, मैं तो दशरथ का बेटा। और उन्होंने कहा था कि आपको लगता है कि जगतपति, तो प्रभु का व्यंग था जगतपति। अरे भाई अयोध्यापति होने वाला था, अभी नहीं बन पाया, पिताजी ने कह दिया तो मुझे बनना जाना पड़ा, तुमको कैसे भ्रम हो गया कि मैं जगतपति। और तुम ये कहने लगे कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए, मैं तो क्या करूं, अपनी पत्नी को भी बचा नहीं पाया, राक्षस ने चुरा लिया, मैं चारों ओर खोज रहा हूं। पर हनुमान जी के सामने प्रभु ये चतुराई सही सफल नहीं हुई। हनुमान जी ने जो ही प्रभु का ये वाक्य सुना, क्या किया, बोले प्रभु पहचान परे वही चरण, सो सुख उमा जाय नहीं भरना। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, चकित हो गए प्रभु, मैंने ठीक उल्टी बातें कही, पर कैसा अनोखा भक्त है कि ठीक उल्टा परिचय देने पर भी वह मुझे कहता है कि आप तो साक्षात ईश्वर है, साक्षात प्रभु। क्या तात्पर्य, वो प्रसंग बड़ा दार्शनिक है। ईश्वर का क्या लक्षण है, और वेदों से जब भी प्रश्न किया गया ईश्वर का क्या लक्षण, यहां तक एक बात कहता है जो बड़ा विचित्र सा है, पूछा गया ईश्वर है, बोले भी नहीं कह सकते, तो ईश्वर नहीं है यही कह दीजिए, बोले ना ना सत्य ना सदुच्यते, ना हम उसको सत कहेंगे और ना असत कहेंगे। और उसके साथ साथ जब भी वेदों ने प्रतिपादन किया तो अनिर्वचनीयता करके किया। तो लक्षण का तात्पर्य यही है कि वाणी के द्वारा ही तो लक्षण कहा जाए, और लक्षण ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सही सही अर्थों में परिपूर्ण। पर यह ईश्वर के विषय में एक सूत्र दिया गया, क्या बोले, तो ईश्वर मानो समस्त विरोधी लक्षण जिसमें एक साथ विद्यमान है वो ईश्वर है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सारे विरोधी लक्षण दिखाई दे गए। मैंने कहा कि एक ही ब्रह्म दो वेश बना के आ गया, और जब मैंने पूछा कि सावला और गोरा क्यों, तो वेद की मर्यादा को बचाने के लिए आपने दो रंग बना लिए। वेदों ने अगर लिख दिया होता कि ईश्वर सावले रंग का है तो भी ठीक, ये लिख दिया होता कि गोरे रंग का है तो भी ठीक था। इसलिए जब मैं आपने दोनों वेश बनाए, तो आपने वेदों के अनिर्वचनीयता को बचा लिया।
बोले अगर कोई कहे श्याम तो गौर, गौर देखे तो श्याम, ये भी विरोधी बात। और जब मैं देखता हूं कि कोमल वृद्धि और कोमल चरण और कठोर वृद्धि चलने पर भी आप में कोई अंतर नहीं है, तो भी ये भी मैं समझ गया, ये भी कोमलता और कठोरता भी आप में ही विद्यमान है। आपनी वस्तुतः जब यह कहते हैं, इस रूप में परिचय देते हैं, तो आपने जानबूझ करके मैंने जितनी बातों को कहा था काट दिया, जितने लक्षण मैंने पूछे आपसे आपने काट दिया। बोले प्रभु इससे मैं और समझ गया क्या, मैंने सारे लक्षणों को काट करके आपने यह बता दिया कि मैं लक्षणों से पार पड़े, मेरा कोई प्रमाण नहीं, मेरा कोई लक्षण नहीं। और इसी से मैं समझ गया कि जब आप इतनी सावधानी दिखा रहे हैं तो कोई बहुत छिपाने में सावधानी दिखावे तो चतुर्व्यक्ति समझ लेता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो छिपाई जा रही है। हनुमान जी ने तो सचमुच प्रभु को पहचाना ही नहीं, बल्कि प्रभु ने यह पूछा कि पहचाना जब ईश्वर के रूप में तो दूर से प्रणाम किया, और जब मनुष्य के रूप में मैंने परिचय दिया तो तुम चरणों को पकड़ने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके परिचय से ही तो मुझे एहसास हुआ, शास्त्रों ने यही कहा था कि ब्रह्म कभी पकड़ में नहीं आता, लेकिन जब आपने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूं तो मैं समझ गया, पहले वो ईश्वर पकड़ में नहीं आता होगा, पर जब दशरथ की गोद में आ गया तो पकड़ में आने वाला होगा। पर वो पकड़ में आने वाले ईश्वर की तो समझ को आवश्यकता है, जो ईश्वर मन बुद्धि वाणी से परे हो वो लोगों के किस काम का। तो आपने यह भी सिद्ध कर दिया कि समस्त लक्षणों से परे है, आपने यह भी सिद्ध कर दिया कि समस्त विरोधी धर्म आप में निवास करते हैं, और तब कितना आनंद है। अंत में हनुमान जी की महानता महानतमता महत्व यही कि हनुमान जी ने प्रभु के बार बार बुलावा देने पर भी पहचान लिया, और पहचानने के बाद भी सुग्रीव जैसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करा देना, इससे बढ़कर के हनुमान जी के चरित्र की कोई उदारता हो नहीं सकती। बाल ब्रह्मचारी वैराग्यवान पर इतना होते हुए भी प्रभु को मिलाना, और मिलाना भी ऐसा कि न तो सुग्रीव को एक पग चलना पड़ा और हनुमान जी स्वयं अपने कंधे पर बैठा करके प्रभु से मिला देते हैं। हनुमान जी के चरित्र में कैसी रहस्य जानने की क्षमता है, बोलने की कैसी कला है, जिस प्रकार से वो ईश्वर को पहचान करके ईश्वर की प्राप्ति करा देते हैं। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिला राजपति ना, ये हनुमान जी के चरित्र का पहला वो दृश्य है जो आश्वासन देता है हमें आपको कि वे तो सुग्रीव जैसे व्यक्तियों को भी भगवान से मिला देते हैं। अगर हमें कोई कमी है तो चिंता की कोई बात नहीं है, हनुमान जी को पकड़ लेंगे तो हमें वो भगवान से मिला देंगे। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्यावर राम।